अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंजुम और आज हम चिकन पॉप्सिकल्स बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम 200 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ओरिगैनो, 1 टी स्पून कसूरी मेथी, 1 टी स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू, एक बन लिया है हमने, आप इसकी जगह 3 स्लाइसेस ब्रेड के भी ले सकते हैं, 1 चिकन क्यूब और आधे नींबू का जूस। अब हम मिक्सर जार में चिकन के पीसेस डालेंगे और सारे ड्राई मसाले डालेंगे, सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन क्यूब, नींबू का जूस और जो बन लिया था हमने उसे तोड़कर डालेंगे और इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हमने जो आलू बॉईल किए थे उसे मैश करके उसमें डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम स्लाइस चीज़ लेंगे और हम एक स्लाइस के 3 पीसेस करेंगे। इसकी जगह आप चीज़ क्यूब भी ले सकते हैं। इसके बाद हम एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे, उसके बाद स्लाइस चीज़ का एक पीस लेंगे और उसे आइसक्रीम स्टिक पर इस तरह से लगाएंगे और चिकन का मिक्सचर हम इस पर कोट करके अपने मनचाहे शेप का इसे बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। इसके बाद हमने अंडा लिया है बीट करके, हम इसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हम सारे पॉप्सिकल्स बना लेंगे। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। हम इन पॉप्सिकल्स को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और नीचे से हल्का गोल्डन हो जाए तो हम इन्हें पलट लेंगे। इन पर दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे टेस्टी चिकन पॉप्सिकल्स सर्व करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।